बिहार के गया में कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में स्थानीय टावर चौक पर देश की राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि मृतक के परिजनों को भगवान शांत शक्ति प्रदान करे, साथ ही साथ घायल लोग जल्द स्वस्थ हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार की नाक के नीचे 4 दिनों तक चंद मुट्ठी भर गुंडे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील कर दिया, जिसमें अभी तक 38 लोगों की मौत हो चुकी तथा 200 से अधिक लोग घायल हैं। नेताओं ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार मानते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पार्टी के तत्वावधान में बिहार के गया के टावर चौक पर दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में अभी तक 50 लोगों के जो मरे हैं उन्हें आज कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दी गई और जो 200 से ज्यादा लोग घायल हैं उन्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना और कामना की गई। यदि तो कि देश की राजधानी दिल्ली केंद्र और राज्य सरकार के नाक के नीचे 4 दिनों तक खुलेआम कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पूरे दिल्ली में खास करके उत्तर और पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा कर 40 लोगों को मौत के नींद सुला दिया गया और सैकड़ों लोग अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करना चाहती है कि इस सांप्रदायिक हिंसा के दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और केंद्र सरकार के गृह मंत्री जिनके जिम्मे दिल्ली पुलिस आती है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें यथाशीघ्र पद से हटाया जाए और इसमें दिल्ली सरकार भी जो चुपचाप बैठी रही उसका भी कांग्रेस पार्टी खुले शब्दों में निंदा करती है और आज पूरे देश की आम आवाम ये चाहती है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि दिल्ली में गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे।